प्रश्न नंबर एक, तमाकू में विष मिसाई षड्यंत्र पूर्वक मारिने राजा को हुन्? ऑप्शन ए अभय मल्ल, ऑप्शन बी योग नरेंद्र मल्ल, ऑप्शन सी भूपतेन्द्र मल्ल, ऑप्शन डी जयस्थिति मल्ल। ऑप्शन बी योग नरेंद्र मल्ल। प्रश्न नंबर दुई, बौलाहा राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? ऑप्शन ए अभय मल्ललाई, ऑप्शन बी भूपतेन्द्र मल्ललाई, ऑप्शन सी लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई, ऑप्शन डी जयस्थिति मल्ललाई। ऑप्शन सी लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई। प्रश्न नंबर तीन, नेपाललाई जातमा विभाजन कसले गरेका हुन्? ऑप्शन ए प्रताप मल्ल, ऑप्शन बी भीमसेन थापा, ऑप्शन सी जंगबहादुर राणा, ऑप्शन डी जयस्थिति मल्ल। ऑप्शन डी जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नंबर चार, सुपारी विवाह को चलन कुन जातिमा रहेको छ? ऑप्शन ए हमाल, ऑप्शन बी धमला, ऑप्शन सी धिमाल, ऑप्शन डी रिमाल। ऑप्शन सी धिमाल जातिमा। प्रश्न नंबर पांच, तीर्थ गर्न जादा बाटेमा मर्ने राजा को हुन्? ऑप्शन ए भूपतेन्द्र मल्ल, ऑप्शन बी अभय मल्ल, ऑप्शन सी योग नरेन्द्र मल्ल, ऑप्शन डी जयस्थिति मल्ल। ऑप्शन ए भूपतेन्द्र मल्ल। प्रश्न नंबर छ, गोपाल वंशले कति वर्ष शासन गरे? ऑप्शन ए 321 वर्ष, ऑप्शन बी 232 वर्ष, ऑप्शन सी 521 वर्ष, ऑप्शन डी 326 वर्ष। ऑप्शन सी 521 वर्ष। प्रश्न नंबर सात, नक्षत्र कतिवटा हुन्छन्? ऑप्शन ए 28 वटा, ऑप्शन बी 29 वटा, ऑप्शन सी 27 वटा, ऑप्शन डी 30 वटा। ऑप्शन सी 27 वटा। प्रश्न नंबर आठ, पर स्त्री संग अनुचित संबंध राखेको आरोपमा दलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन्? ऑप्शन ए भूपतेन्द्र मल्ल, ऑप्शन बी युगनेन्द्र मल्ल, ऑप्शन सी भीरध्वज बस्नेत, ऑप्शन डी जयस्थिति मल्ल। ऑप्शन सी भीरध्वज बस्नेत। प्रश्न नंबर नौ, कुन राणाको पालामा बेलायतमा सर्वप्रथम राजदूतावास खोलिएको थियो? ऑप्शन ए देव शमशेर, ऑप्शन बी जंगबहादुर राणा, ऑप्शन सी युद्ध शमशेर, ऑप्शन डी वीर शमशेरको पालामा। ऑप्शन सी युद्ध शमशेर। प्रश्न नंबर दस, देव शमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पछि कहाँ गएर बसेका थिए? ऑप्शन ए डोटी, ऑप्शन बी धनकुटा, ऑप्शन सी धनुषा, ऑप्शन डी पाल्पा। ऑप्शन बी धनकुटामा। प्रश्न नंबर एगार, 31 जना रानी सती जाने राजा को हुन्? ऑप्शन ए अभय मल्ल, ऑप्शन बी भूपतेन्द्र मल्ल, ऑप्शन सी योग नरेन्द्र मल्ल, ऑप्शन डी जयस्थिति मल्ल। ऑप्शन सी योग नरेन्द्र मल्ल। प्रश्न नंबर बाह्र, प्रथम मल्ल राजा को हुन्? ऑप्शन ए भूपतेन्द्र मल्ल, ऑप्शन बी अभय मल्ल, ऑप्शन सी योग नरेन्द्र मल्ल, ऑप्शन डी जय स्थिति मल्ल। ऑप्शन बी अभय मल्ल। प्रश्न नंबर तेरह, लिच्छवी काल में राजकीय भाषा के थियो? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। ऑप्शन सी संस्कृत। प्रश्न नंबर चौदह, कलाकार अर्निको को जन्म कहाँ भएको थियो? ऑप्शन ए
रुकुमा, ऑप्शन बी रोल्पामा, ऑप्शन सी पाल्पामा, ऑप्शन डी कास्कीमा। साथी यस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ ऑप्शन सी पाल्पामा। प्रश्न नम्बर 15, हालको काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो के थियो? अप्सन ए लेउले भरिएको ताल, अप्सन बी खुल्ला जमिन, अप्सन सी पानीले भरिएको ताल, अप्सन डी दुबेले भरिएको ताल। त्रस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन सी पानीले भरिएको ताल। प्रश्न नम्बर 16, नेवार भाषालाई के भनिन्छ? अप्सन ए नेवार भाषा, अप्सन बी नेपाल भाषा, अप्सन सी मातृभाषा, अप्सन डी कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन बी नेपाल भाषा। प्रश्न नम्बर 17, बौद्ध धर्म ग्रन्थीलाई के भनिन्छ? अप्सन ए त्रिपिटक, अप्सन बी पुराण, अप्सन सी बाइबल, अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन ए त्रिपिटक। प्रश्न नम्बर 18, अभागे राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? अप्सन ए जयप्रकाश मल्ल, अप्सन बी शिवसिंह मल्ल, अप्सन सी रामशाह, अप्सन डी यज्ञनाथ मल्ल। त्रेस प्रश्न से जवाब रहेछ अप्सन ए जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 19, छठ पर्वमा कुन भगवानको पूजा गरिन्छ? अप्सन ए चन्द्रमाको, अप्सन बी सूर्य भगवानको, अप्सन सी पृथ्वीको, अप्सन डी मङ्गलको। सही जवाफ रहेछ अप्सन बी सूर्य भगवानको। प्रश्न नम्बर 20, गजेडी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए कास्कीमा, अप्सन बी रसुवामा, अप्सन सी रूपन्देहीमा, अप्सन डी चितवन जिल्लामा। साथी यस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन सी रूपन्देहीमा। प्रश्न नम्बर 21, भाले बाजा भनेर कुन बाजालाई चिनिन्छ? अप्सन ए मादल, अप्सन बी पियानो, अप्सन सी सारङ्गी, अप्सन डी गिटार। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन ए मादललाई। प्रश्न नम्बर 22, निर्जीव ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ? अप्सन ए भरत ताल, अप्सन बी रारा ताल, अप्सन सी सेफोक्सुन्डो ताल, अप्सन डी फेवा ताल। त्रेस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन सी सेफोक्सुन्डो ताल। प्रश्न नम्बर 23, टेलिभिजनलाई नेपालीमा के भनिन्छ? अप्सन ए गणकयन्त्र, अप्सन बी सुसाङ्ख्य, अप्सन सी दूरदर्पण यन्त्र, अप्सन डी आकाशवाणी। त्रेस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन सी दूरदर्पण यन्त्र। प्रश्न नम्बर 24, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका कुन हो? अप्सन ए शम्सी गाउँपालिका, अप्सन बी नामखा गाउँपालिका, अप्सन सी नार्फू गाउँपालिका, अप्सन डी सुनकोशी गाउँपालिका। त्रेस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन बी नामखा गाउँपालिका। प्रश्न नम्बर 25, राष्ट्रिय गानमा कति शब्द रहेको छ? अप्सन ए 84 शब्द, अप्सन बी 46 शब्द, अप्सन सी 126 शब्द, अप्सन डी 128 शब्द। त्रेस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ अप्सन डी 128 शब्द। प्रश्न नम्बर 26, तालहरूको जिल्ला भनेर कास्कीलाई चिनिन्छ भने कुण्डहरूको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? अप्सन ए रसुवा, अप्सन बी पाल्पा, अप्सन सी रूपन्देही, अप्सन डी सुर्खेत। साथीहरू प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईँ राम्रो प्लिज लाइक च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नछाड्नु होला, किनकि साथ मेरो च्यानलमा सधैँ यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउँदै रहन्छु। र साथीहरू एउटा अर्को कुरा, यदि तपाईँले यो भिडियोमा केही गल्ती भेट्यो भने प्लिज त्यो गल्ती कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि म यो गल्ती सुधार्न पाओस् र तपाईँहरूमा चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियो दिन पाओस्।
तो साथी म मिले छु तपाईहरु सँग यस्तै यस्तै राम्रो भिडियो दिन नेपाल धन्यवाद एन्ड थ्यांक्स फर वाचिंग दिस भिडियो नाउ ओके थ्यांक्स फर टुडे।